नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं रॉयल इनफील्ड की जितने भी बाइक आती है उसकी शोरूम प्राइस के बारे में बात करने वाला हूं और ऑन रोड प्राइस आपको क्या पड़ेगा उसके बारे में भी बात करने वाला हूं और कुछ बेसिक डिटेल के बारे में बात करेंगे, जैसे कि इसमें आपको इंजन क्या मिलेगी और पावर और टॉर्क क्या मिलेगी। तो ऐसे में दोस्तों, रॉयल इनफील्ड की कोई भी बाइक लेने की सोच रहे हैं या फिर लेने वाले हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, ताकि उस बाइक के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके कि इस वक्त इसकी शोरूम प्राइस क्या है और ऑन रोड प्राइस क्या है। सो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं सबसे कम दामों से लेकर ऊपर दामों तक चलेंगे, यानी कि जो सबसे कम दाम की बाइक है उसे पहले नंबर पर रखेंगे और जो सबसे महंगी बाइक है उसे लास्ट नंबर पर रखेंगे। तो रॉयल इनफील्ड की तरफ से जो सबसे सस्ती बाइक आ रही है बुलेट 350, इसकी डिज़ाइन देख सकते हैं, कुछ इस तरह का डिज़ाइन देखने को मिलती है और ये बाइक काफ़ी पॉपुलर है। इसमें इंजन लगाया गया है 346 cc का एयर कूल इंजन मिलेगा, जो कि मैक्सिमम पावर निकालती है 19.1 bhp 5250 rpm पर एंड मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करती है 28 Nm का 4000 rpm पर। इस बाइक में 5 गियर मिलेगा। कलर ऑप्शन में इसमें 6 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाती है। इस बाइक में सिंगल चैनल ABS मिलेगा। माइलेज की बात करते हैं तो यहाँ पर माइलेज के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, रॉयल इनफील्ड कोई भी बाइक अपने बाइक को माइलेज के पर्पज़ से बाइक को नहीं बनाती है। रॉयल इनफील्ड की जितनी भी बाइक जानी जाती है दमदार इंजन के लिए जानी जाती है, दमदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है और अच्छे खासे बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है, क्योंकि रॉयल इनफील्ड की जितनी भी बाइक है उसमें आपको फाइबर पार्ट्स देखने को नहीं मिलती है, पूरी की पूरी बॉडी मेटल की होती है। तो ऐसे में बाइक की वजन बढ़ जाता है, तो इसलिए माइलेज आपको किसी भी बाइक में देखने को नहीं मिलती है रॉयल इनफील्ड की बाइक में। इसी बाइक की माइलेज की बात करते हैं तो इसमें आपको 25 से लेकर 30 तक की माइलेज मिलेगी, इससे ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। फाइनली इसकी शोरूम प्राइस की बात करते हैं तो ये बाइक आपको 3 मॉडल में देखने को मिलती है। KS मॉडल लेते हैं तो ये आपको पड़ जाएगा 1,38,726 rupees, जो कि इसकी ऑन रोड प्राइस लगभग 1,60,000 rupees के आसपास रहने वाली है। स्टैंडर्ड मॉडल लेते हैं तो ये आपको पड़ जाएगा 1,45,399 rupees, जो कि इसकी ऑन रोड प्राइस लगभग 1,68,000 rupees के आसपास रहने वाली है। और अगर आप ES मॉडल लेते हैं तो ये आपको पड़ जाएगा 1,60,493 rupees, जो कि इसकी ऑन रोड प्राइस लगभग 1,85,000 तक की पहुँच जाएगी। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, ऑन रोड प्राइस फिक्स नहीं होगा, 2 से 4 हज़ार रुपये कम हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ऑन रोड प्राइस सिटी बाय सिटी बदलता रहता है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे आ जाती है मेटियोर 350। इसमें इंजन लगाया गया है 349 cc का, ये भी बाइक एयरकूल इंजन मिलेगा, जो कि मैक्सिमम पावर निकालती है 20.2 bhp 6100 rpm पर एंड मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करती है 27 Nm का 4000 rpm पर। इस बाइक में भी 5 गियर मिलेगा। कलर ऑप्शन की बात करते हैं तो ये बाइक आपको 7 कलर ऑप्शन में देखने को मिलती है। इसमें आपको डबल चैनल ABS मिलेगा। प्राइस की बात करते हैं तो ये बाइक आपको कलर बाय कलर अलग अलग प्राइस देखने को मिलती है। जैसे कि फायरवॉल लेते हैं तो इसकी शोरूम प्राइस पड़ जाएगा 1,92,109 rupees, जो कि इसकी ऑन रोड प्राइस लगभग 2,18,000 rupees के आसपास रहने वाला है। स्टेलर सीरीज की लेते हैं तो ये आपको पड़ जाएगा 1,98,099 rupees, इसकी ऑन रोड प्राइस लगभग 2,25,000 rupees के आसपास रहने वाली है। और सुपर नोवा एडिशन लेते हैं तो इसकी शोरूम प्राइस पड़ जाएगा 2,08,084 rupees, जो कि इसकी ऑन रोड प्राइस लगभग 2,36,000 rupees के आसपास रहने वाली है। तीसरे नंबर की बात करते हैं तो इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ जाती है क्लासिक 350। इसमें इंजन सेम वही लगाया गया है जो कि मेटियोर में इंजन आती है, वही इंजन इसमें भी मिलेगा और पावर और टॉर्क भी वही मिलेगा। 20.2 bhp का पावर निकालती है और 27 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इसमें 5 गियर मिलेगा और ये बाइक डुअल चैनल ABS और सिंगल चैनल ABS में दोनों में उपलब्ध है। फाइनली इसकी शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं तो अगर आप सिंगल चैनल ABS में लेते हैं तो ये आपको पड़ जाएगा 1,84,374 rupees, जो कि इसकी ऑन रोड प्राइस लगभग 2,12,000 rupees के आसपास रहने वाली है। अब आ जाते हैं डुअल चैनल ABS में। तो डुअल चैनल ABS में कई सीरीज हैं, जैसे कि हेलकॉन सीरीज का लेते हैं तो ये आपको पड़ जाएगा 1,93,123 rupees, जो कि इसकी ऑन रोड प्राइस लगभग 2,22,000 के आसपास रहने वाली है। मार्स सीरीज की लेते हैं तो ये आपको पड़ जाएगा 2,04,367 rupees, जो कि इसकी ऑन रोड प्राइस अप्रॉक्स 2,36,000 rupees के आसपास रहने वाली है। डार्क सीरीज में लेते हैं तो इसकी शोरूम प्राइस पड़ जाएगा 2,11,465 rupees,
जो कि ऑन रोड प्राइस 2,44,000 के अप्रोक्स रहने वाली है। क्रोम सीरीज में लेते हैं तो ये थोड़ी सी महंगी है, इसकी शोरूम प्राइस पड़ जाएगा 2,15,118 रुपीज, जो कि इसकी ऑन रोड प्राइस 2,47,000 के अप्रोक्स चली जाएगी। इस लिस्ट में चौथे नंबर पे आ जाता है हिमालयन। ये एक एडवेंचर बाइक है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी लुक काफ़ी अलग देखने को मिलती है। इसमें इंजन लगाया गया है 411 सीसी का एयर कूल इंजन मिलेगा, जो कि मैक्सिमम पावर निकालती है 24.3 bhp का 6500 rpm पर और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करती है 32 nm का 4000 rpm पर। इस बाइक में 5 गियर मिलेगा, कलर ऑप्शन में 6 कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा इसमें। इस बाइक में आपको डबल चैनल ABS मिलेगा। फाइनली इसकी शोरूम प्राइस की बात करते हैं तो ये आपको पड़ जाएगा 2,05,784 रुपीज स्टैंडर्ड मॉडल, जो कि इसकी ऑन रोड प्राइस लगभग 2,42,000 के आसपास रहने वाली है। डबल टोन वाला लेते हैं तो ये आपको पड़ जाएगा 2,09,529 रुपीज, जो कि इसकी ऑन रोड प्राइस 2,46,000 अप्रोक्स रहने वाली है। और पाइन ग्रीन लेते हैं तो ये आपको पड़ जाएगा 2,13,273 रुपीज, जो कि इसकी ऑन रोड प्राइस 2,50,000 के आसपास रहने वाली है। पाँचवें नंबर की बात करते हैं तो पाँचवें नंबर पे आ जाता है इंटरसेप्टर 650। इसमें इंजन लगाया गया है 648 सीसी का और ये बाइक एयर कूल और ऑयल कूल में दोनों में उपलब्ध है। मैक्सिमम पावर निकालती है 47 bhp का 7150 rpm पर एंड मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करती है 52 nm का 5250 rpm पर। इस बाइक में आपको 6 गियर मिलेगा और इस बाइक में डबल चैनल ABS मिलेगा। इसकी शोरूम प्राइस की बात करते हैं तो ये आपको पड़ जाएगा 2,81,518 रुपीज स्टैंडर्ड मॉडल। इसकी ऑन रोड प्राइस 3,25,000 के अप्रोक्स रहने वाली है। 2,89,085 रुपीज़ पड़ जाएगा कस्टम एडिशन, ये आपको ऑन रोड प्राइस पड़ेगा 3,34,000 रुपये के अप्रोक्स और 3,03,620 रुपीज़ पड़ेगा ये क्रोम एडिशन पड़ेगा, जो कि इसकी ऑन रोड प्राइस 3,50,000 रुपये के आसपास पहुंच जाता है। इस लिस्ट में छठे और आखिरी नंबर की बात करते हैं तो आ जाता है कॉन्टिनेंटल GT650। इसमें सेम इंजन वही लगाया गया है जो कि सेप्टर में इंजन आता है, वही इंजन इसमें भी मिलता है और पावर और टॉर्क भी सेम वही मिलता है। 47 bhp का पावर निकालती है और 52 nm का टॉर्क जनरेट करती है। इसमें भी 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलेगा, इसमें भी आपको डबल चैनल ABS मिलेगा। फाइनली इसकी शोरूम प्राइस की बात करते हैं तो ये बाइक आपको पड़ जाएगा 2,98,079 रुपीज स्टैंडर्ड मॉडल, जो कि इसकी ऑन रोड प्राइस लगभग 3,45,000 रुपये आसपास रहने वाली है। दूसरा पड़ जाएगा 3,06,368 रुपीज कस्टम एडिशन, जो कि इसकी ऑन रोड प्राइस 3,52,000 रुपये के आसपास रहने वाला है। और तीसरा आपको पड़ जाएगा क्रोम एडिशन, ये आपको पड़ जाएगा 3,20,177 रुपीज, इसकी ऑन रोड प्राइस 3,78,080 के आसपास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों ये 6 बाइकें आती हैं रॉयल इनफील्ड की तरफ से। इन 6 बाइकों में से कौन सी बाइक आपको पसंद है और किसे आप खरीदना चाहेंगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी बात दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।